गाइस, क्या आपने कभी दुनिया के सबसे बड़े एरोप्लेन को देखा है जिसका साइज इतना बड़ा है कि उसके अंदर एक और एरोप्लेन आ सकता है? और क्या आपने एक ऐसे एरोप्लेन को देखा है जिस एरोप्लेन में टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 32 टायर्स को लगाया गया है? और गाइस, दुनिया में एक ऐसा एरोप्लेन भी मौजूद है जिसे दो एरोप्लेन को मिलाकर बनाया गया है। अब इसे देखने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आखिर इस एरोप्लेन का क्या होता होगा, तो गाइस इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 सबसे एयरप्लेन्स के बारे में बताऊंगा, जिन एरोप्लेन्स को देखने के बाद तो आपका दिमाग घूम जाएगा और आप सोच में पड़ जाएंगे कि भाई इतने बड़े एरोप्लेन्स भी होते हैं क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, टॉप 10 बिगेस्ट एयरप्लेन्स इन द वर्ल्ड, जिसमें सबसे पहले है एंटोनोव AN-225 मरिया। गाइस, ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन है जिसे 1980 में यूक्रेन में बनाया गया। 1980 के समय में इस एयरप्लेन का यूज सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने के लिए किया जाता था, और उसके अलावा इसी एयरप्लेन को अन्य जहाज को ले जाने के लिए भी इसी एयरप्लेन का यूज किया जाता था। इस एयरप्लेन में बड़ी से बड़ी मशीनों को लोड करने के लिए इसके आगे के हिस्से को कुछ इस तरह से ऊपर उठा दिया जाता था, और इसमें किसी भी हैवी व्हीकल या सैटेलाइट को आसानी से अंदर निकाला जा सकता है। इस एंटोव AN-225 की लंबाई 290 फीट है। इस एयरप्लेन की लंबाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस एयरप्लेन की लंबाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बराबर है। इस एयरप्लेन में 6 टर्बोजेट इंजन को लगाया गया है, जिसकी वजह से ये प्लेन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि ये प्लेन एक बार में 640 मैट्रिक टन वजन को लेकर टेक ऑफ कर सकता है। इस एयरप्लेन के पिछले हिस्से में 14 जोड़ी टायर्स का यूज किया गया है, और उसके अलावा 2 जोड़ी टायर्स इस एयरप्लेन के आगे की साइड है, मतलब कि ओवरऑल इस एयरप्लेन में 32 टायर्स है। अगर इस एयरप्लेन को एक नॉर्मल साइज वाले एयरप्लेन के साथ खड़ा कर दिया जाए तो उसके बाद तो आप इन दोनों एयरप्लेन को कम्पेयर करके देख ही सकते हैं कि ये एयरप्लेन एंटोव AN-225 कितना ज्यादा बड़ा है। ये प्लेन 850 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ हवा में उड़ सकता है, और ये एक बार में 15,400 किलोमीटर तक का सफर बड़े ही आराम से तय कर सकता है। नेक्स्ट है एंटोव AN-125 रुस्लान। गाइस, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है। इस एयरप्लेन को भी 1880 के समय में यूक्रेन में बनाया गया, जिसमें शुरुआती समय में इस एयरप्लेन को हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया। इसमें ज्यादातर मिलिट्री के हैवी व्हीकल्स और उनके हथियारों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट में 4 टर्बोजेट इंजन हैं, जिसकी वजह से ये एयरप्लेन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि ये एक बार में 405 मैट्रिक टन वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। और इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में भी कई सारे टायर्स का यूज किया गया है। ये प्लेन 226 फीट लंबा है और इसके विंग्स का फैलाव 240 फीट तक है, मतलब कि इस एयरप्लेन की विंग्स की लंबाई पूरे एयरप्लेन से भी ज्यादा है। नेक्स्ट है C-5M सुपर गैलेक्सी। गाइस, ये एयरक्राफ्ट दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे US की एयरफोर्स के लिए 1960 के समय में बनाया गया था। इस एयरप्लेन की लंबाई 247 फीट है और इसके विंग्स की लंबाई 222 फीट है। और इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में 4 हाई पावर इंजन का यूज किया गया है, जो कि ये एक समय में 381 मैट्रिक टन वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। इस C-5M सुपर गैलेक्सी एयरक्राफ्ट को मिलिट्री इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसी का यूज किया जाता है। इसके अलावा बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए और ऐसी जगहों पर भोजन पहुंचाने के लिए इसी एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता है। इस एयरप्लेन का साइज इतना बड़ा है कि इसमें कार्गो टैंक, हेलीकॉप्टर और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैवी व्हीकल्स को लेके जाया जा सकता है। नेक्स्ट है बोइंग 777-9X। गाइस, इस एयरक्राफ्ट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट सफिशियंट ट्विन इंजन GE-9X को लगाया गया है। इस एयरक्राफ्ट के विंग बोइंग द्वारा बनाए गए सबसे बड़े विंग्स हैं। इस एयरप्लेन में 426 लोग ट्रेवल कर सकते हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्विन इंजन वाला कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट है। इस एयरप्लेन के अंदर सभी तरह के क्लास हैं, जिसमें इस एयरप्लेन में बिजनेस क्लास में ज्यादा स्पेस देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस एयरप्लेन का साइज बड़ा होने की वजह से इसमें बिजनेस क्लास के कोच का भी साइज बड़ा कर दिया गया है। ये एयरप्लेन 252 फीट लंबा है और इसके विंग्स की लंबाई 235.5 फीट है। ये प्लेन एक बार टेक ऑफ होने के बाद 13,500 किलोमीटर तक कंटिन्यूसली फ्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है एयरबस A380-800। गाइस, ये दुनिया का डबल डेक वाइड बॉडी और 4 इंजन वाला कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट है, जिसे एयरबस द्वारा बनाया गया है। ये एयरप्लेन 236 फीट लंबा है और इसके विंग्स की लंबाई 261 फीट है, मतलब कि इस एयरप्लेन के विंग्स एयरप्लेन से भी ज्यादा बड़े हैं। अब गाइस, अगर हम बात करें इस एयरप्लेन में पैसेंजर्स की कि भाई आखिर इस एयरप्लेन के अंदर कितने पैसेंजर्स आ सकते हैं, तो इस प्लेन में एक बार में 853 पैसेंजर्स आ सकते हैं। इस एयरप्लेन का निर्माण
निर्माण एयरपोर्ट्स पर भीड़ कम करने के लिए किया गया। एक व्यस्त एयरपोर्ट पर एक समय में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से इस एयरप्लेन को बनाकर वहाँ की भीड़ को कम कर दिया गया। नेक्स्ट है यूरो स्पेस लाइन सुपर गैलेक्सी। गाइस, इस एयरप्लेन को ऑकवर्ड एयरप्लेन के नाम से भी जाना जाता है। इसे नासा के द्वारा 1965 के समय में बनाया गया। इस एयरप्लेन की ऐसी डिजाइन रखने का मुख्य कारण ये था कि जब इस एयरप्लेन से सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है तो उसका साइज बड़ा होने की वजह से एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट में सैटेलाइट को रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए नासा ने खुद के लिए सुपर गपी नाम के इस एयरक्राफ्ट को बना दिया। इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 141 फीट है और इसकी विंग्स की लंबाई 1056 फीट है। नेक्स्ट है स्ट्रेट लॉन्च। गाइस, आपने अब से पहले ऐसे एयरक्राफ्ट को पहले कभी नहीं देखा होगा और इस एयरप्लेन को देखने के बाद आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि भाई आखिर इस एयरप्लेन का काम क्या होगा, मतलब कि इस एयरप्लेन को क्यों बनाया गया है। तो गाइस, इस एयरक्राफ्ट का यूज हाई एप्टीट्यूड एयर लॉन्च ऑपरेशंस, रॉकेट लॉन्च और सैटेलाइट लॉन्च, इन सभी में इस एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता है। और इसके अलावा इस एयरप्लेन के विंग्स दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट विंग्स हैं, जिनकी लंबाई 384 फीट है। ये विंग्स कितने बड़े हैं इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट के विंग्स एक फुटबॉल के मैदान जितने बड़े हैं। ये एयरप्लेन किसी भी रॉकेट या किसी एयरक्राफ्ट को 35,000 फीट तक की ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट को हाल ही में अप्रैल 2019 में बनाकर कंप्लीट किया गया और ये अप्रैल 2021 से रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार हो गया। नेक्स्ट है एयरबस A340-600। गाइस, इस एयरक्राफ्ट में 4 इंजन है जो कि ये लॉन्ग रेंज कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट है। ये एयरप्लेन 13,900 किलोमीटर तक नॉनस्टॉप चल सकता है। इस एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले इंजन को रोल्स रॉयस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इस एयरप्लेन में मॉडर्न कॉकपिट, फ्लाई बाय वायर फ्लाई कंट्रोल्स, एडवांस एंटरटेनमेंट सिस्टम, इन सभी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। नेक्स्ट है बोइंग 747-8। गाइस, इस एयरक्राफ्ट में भी 4 इंजन है जो कि ये लॉन्ग रेंज कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट है। ये बोइंग 747 फैमिली का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है, जिसकी लंबाई 250 फीट और इसके विंग्स की लंबाई 224 फीट है। इस एयरक्राफ्ट का साइज इतना बड़ा है कि इसमें एक बार में 605 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। वैसे गाइस, आपको इन सभी एयरक्राफ्ट में से सबसे बिगेस्ट एयरक्राफ्ट कौन सा लगा और क्या आप कभी एयरप्लेन में बैठे हैं? अगर बैठे हैं तो फर्स्ट टाइम एयरप्लेन में बैठने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।